हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। माय सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में लोकेटेड एक कॉलेज की, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस कॉलेज का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कैसे आप यहां पे अपना एडमिशन करा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, कैसे यहां का प्लेसमेंट सेल काम करता है और स्कॉलरशिप है या नहीं, तो जानेंगे इन्हीं सभी ढेर सारी बातों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको सिर्फ गेट एडमिशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये कॉलेज 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक प्राइवेट कॉलेज है और मैं बात करूं अगर लोकेशन की, भजोरी रुड़की उत्तराखंड में ये कॉलेज लोकेटेड है। तो काफ़ी अच्छा है ये कॉलेज आपके फ्यूचर को एक अच्छे राह पे ले जाने के लिए, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और बात करें यहाँ के कुछ अप्रूव्ड और एफिलिएशन के बारे में, तो ये कॉलेज AICTE PCI MHRO से अप्रूव्ड है। और अगर बात करूँ एफिलिएशन की तो UTU देहरादून से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कुछ अवार्ड्स और रैंकिंग के बारे में। तो अवार्डेड एज द बेस्ट अपकमिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तराखंड अवार्ड अंडर EMAI नेशनल उत्तराखंड अवार्ड जॉइंटली बाय CMAI AICTE UTU। अवार्डेड द बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन उत्तराखंड अवार्डेड बाय CMAI AICTE एंड MTU। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कॉलेज की अब मेन प्रोसेस के बारे में, यानी आप एडमिशन कैसे करवा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम इस कॉलेज में अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से एक्सेप्टेड है। तो नेशनल में तो इस कॉलेज में गेट का जो एग्जाम होता है वो एक्सेप्टेड है, उसके थ्रू आप इस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और इस कॉलेज में आपको स्टेट बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम भी देखने को मिल जाता है, यानी UKSE जो उत्तराखंड का एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है टेक्निकल के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में कराए जाते हैं और क्या क्या उनकी फीस रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम BTech के बारे में। तो 1,05,000 इस कॉलेज की आपको फीस देखने को मिल जाती है पर ईयर की BTech की इस कॉलेज की। और एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए 12th में, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। एंड अगर एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूँ तो जो नेशनल लेवल का JEE मेन का एग्जाम होता है आप उसके थ्रू भी इस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और अब बात करते हैं हम MTech के बारे में। तो आप MTech की जो फीस रहने वाली है वो 80,000 पर ईयर की रहने वाली है और एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% से अबव और आप गेट के एग्जाम के थ्रू इस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। आप इस कॉलेज में आपको BBA कोर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और उसकी फीस 54,600 आपको देखने को मिल जाती है। और टू में आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में BBA में एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं इस कॉलेज में हम पॉलिटेक्निक में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो आप 10th के बाद भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं आप इसका एग्जाम दे के। और फीस की मैं बात करूँ तो 47,000 अप्रोक्सीमेटली इस कॉलेज में पर ईयर की आपको फीस देखने को मिल जाती है। और BCA भी है इस कॉलेज में, तो BCA का भी सेम BBA की तरह 54,600 फीस देखने को मिल जाती है। प्लस टू में आपके 50% से अब मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इन कोर्सेज में आप अपना डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं, अगर किसी कारणवश आपका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, वो आप करा सकते हैं गेट एडमिशन के थ्रू। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपके एडमिशन कराने में और आपको आपकी मनपसंद स्ट्रीम दिलाने में। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं इस कॉलेज की पैकेज के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में। तो हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का अभी तक का 16,00,000 से अबव गया है। एंड एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 3,60,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको इस कॉलेज का पैकेज देखने को मिल जाता है। इस कॉलेज में स्कॉलरशिप भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, BTech स्कॉलरशिप, MTech स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स कोटा स्कॉलरशिप। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, आप लोगों ने फोटोज और वीडियो में देख भी लिया होगा, इतना अच्छा कैंपस है इस कॉलेज का, अच्छी वाइब्स देता है, पढ़ाई लिखाई में आपको एक अच्छा अप्रोच देता है, फैकल्टी इतनी अच्छी है यहाँ की। तो ओवरऑल ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट पैकेज है और सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जैसे कैंटीन, लाइब्रेरी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, लैबोरेटरीज़, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती है और एक अच्छा खासा कैंपस घूमने फिरने के लिए देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए ये कॉलेज एक अच्छा पैकेज माना जाता है, आप इस कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना काफ़ी रहेगा, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।